दोस्तों कहते हैं वक्त सबका बदलता है और एक दिन वक्त सबका आता है। ये वक्त का पहिया है जो घूमकर वापस जरूर आता है, एक बार सबको दिखाता है कि क्या कुछ हो सकता है। आज ऐसा ही एक देश के शास्त्र में हो गया है जिसने कभी भारत पर राज किया था और भारत को लूटा था। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर ले जाने वाला ब्रिटेन आज अपनी ही आग में जल रहा है। दरअसल हुआ क्या है वहाँ पे ये भी आपको बताते हैं, और एक सोशल मीडिया कहाँ तक आपको गिरा सकती है या कहाँ तक दिक्कत पैदा कर सकती है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दरअसल अब से 5 से 6 दिन पहले एक लड़का जिसकी एज 17 साल थी वहाँ के डांस एकेडमी में घुसा और वहाँ उसने लोगों पे हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग मारे गए, मतलब स्टूडेंट्स मारे गए और कुछ घायल हैं। वो लड़का पकड़ा भी गया और वो लड़का क्रिश्चियन है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस खबर को ऐसे दिखाया गया कि ये जो हमला किया है ये एशियन लोगों ने किया है या जिनकी चमड़ी गोरी नहीं है उन्होंने किया है, और ये लोग क्रिश्चियनों के अगेंस्ट होते हैं, उनसे जलते हैं और चाहते हैं कि उन्हें ख़त्म किया जाए। ऐसे ऐसे करके ये खबर फैलाई जा रही है एक्स पर, एक्स जिसे आप ट्विटर के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्विटर के जो मालिक हैं, एक्स के जो मालिक हैं अब एलन मस्क, 2 साल पहले इन्होंने ये कंपनी खरीदी थी और 2 साल से ही ये भारत के खिलाफ इस पर पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एलन मस्क वही है जिनकी टेस्ला है, और सबसे बड़ी इनकी दिक्कत क्या है कि ये टेस्ला को भारत में नहीं बेच पा रहे, भारत में टेस्ला को नहीं बेच पा रहे। भारत का सरकार का कहना ये है कि भारत में बनेगी तो भारत में बिकेगी, ऐसा नहीं है कि आप चीन में बनाकर भारत में बेच के पैसा कमाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यही इनकी जलन है, इसी वजह से ये उन अकाउंट्स को बैन नहीं कर रहे जो ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। हालांकि ये कई छोटे छोटे अकाउंट्स को बैन कर देते हैं, छोटे छोटे अकाउंट्स पे छोटी छोटी गलतियां होती हैं तो ये उसे बैन कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ हो रही है इसी की वजह से वहाँ पे दंगे भड़क रहे हैं और ये सारी चीज़ हो रही है। लेकिन भाई साहब उन अकाउंट्स को ना तो डिलीट कर रहे हैं, इवन कहीं ना कहीं उन्हें धीरे धीरे से प्रमोट जरूर कर रहे हैं ताकि वो खबरें सबके सामने आ चुके। ये एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे लगभग हर बड़े आदमी का यहाँ पे अकाउंट है, ये हमारा अकाउंट था जो इसे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। यहीं पे ये देखिए, इसमें सारी चीज़ें कुछ अच्छी भी होती हैं लेकिन अच्छी उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो लोग करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी पोस्ट कर दीजिए लेकिन अगर एंटी इंडिया है, एंटी इंडिया आपने कुछ भी यहाँ पे पोस्ट किया तो वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, मतलब उसे यहाँ पे ये ज़्यादा प्रमोट करेंगे। खैर ये जो आप वीडियो देख रही हैं ये नीरज चोपड़ा की है जो कल सिल्वर जीता है, उन्होंने कई बार गोल्ड दिलाया है लेकिन कल सिल्वर जीता है। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो उनसे आगे निकल गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। तो खैर सिल्वर जीतने पर भी अगर आपको खुशी है, नीरज चोपड़ा के लिए आप खुश हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर कर सकते हैं। और इस एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या भारत को इसे बैन कर देना चाहिए या क्या कुछ इसके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि ये एंटी इंडिया हर पोस्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है और जो इंडिया से जुड़ी हुई पोस्टें होती हैं अगर कोई उन्हें पोस्ट करता है तो कई बार उनमें भी ये यहाँ पे कमियां निकालने लगा है। एक छोटी सी गलती पे इंडियंस का अकाउंट बैन कर रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि अभी से, जब से ये आए हैं इस कंपनी के मालिक बने हैं, क्योंकि पहले इसे सबसे बड़ी जो पोस्ट थी इनकी उसमें भारतीय लोग ही इसे संभाल रहे थे, इन्होंने सबसे पहले आते ही भारतीय लोगों को यहाँ से निकाला था। जलन वही है कि भारत से प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। खैर आपका जो भी राय है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा को जीतने पर बधाई दे सकते हैं, सिल्वर जीता है, ठीक है, एक पॉइंट इस बार पीछे रह गए लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत बहुत की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।